हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो टॉपिक है एनोवा। एनोवा मींस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जैसे कि ये सेम वर्ड्स आप देख पा रहे हैं एनोवा, इसी से आप इसको समझ सकते हैं। ए एन इट मींस एनालिसिस, ओ मींस ऑफ और वी ए मींस वेरिएंस। ठीक है, एनोवा के लिए हम डेफिनेशन यूज करेंगे। एनोवा इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज यूज फॉर कंपेरिजन ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स। बेटा इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और इसमें कॉन्सेप्ट भी थोड़े ज्यादा हैं। पिछले जो प्रीवियस वाले जो मेथड्स पढ़ाए गए हैं उसमें सिर्फ आपको कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू देखनी होती थी, डायरेक्टली आप सोल्व कर लेते थे। बट यहां पर कैलकुलेटेड और टेबुलेटेड वैल्यू से अलग भी बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, एनोवा इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज यूज फॉर कंपेरिजन ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स। बेसिकली अगर हम दो ग्रुप की बात करते हैं तो दो ग्रुप के लिए हमारे पास केसेस थे, अगर आपको याद आ रहा है तो दो ग्रुप को कंपेयर करने के लिए हम टी टेस्ट यूज करते थे, जेड टेस्ट यूज करते थे, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते थे। इवन हम अगर आपको याद आ रहा है तो वो आप एफ टेस्ट भी यूज करते थे। तो बेसिकली हमारे पास कई सारे टेस्ट थे जिनको हम यूज कर रहे थे। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या किया गया है, मोर देन टू ग्रुप्स। मोर देन टू ग्रुप्स का मतलब कम से कम तीन ग्रुप तो होने ही चाहिए तभी हम एनोवा अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही मैं आपको नेसेसरी कंडीशन बता रहा हूं कि मोर देन टू ग्रुप्स का मतलब है कि कम से कम तीन ग्रुप होंगे तभी हम एनोवा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर दो या दो से कम ग्रुप होंगे तो फिर तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, हम किसी को भी लगा के सोल्व कर सकते हैं, फिर एनोवा की हमें नीड ही क्या है। तो बेसिकली एनोवा हम यूज ही कब करते हैं, यूज हम तब करते हैं जब हमारे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट फेल करने लगते हैं। फेल करने का मतलब क्या है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए जेड टेस्ट में हम मैक्सिमम दो सैंपल पर डील कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू मींस। टी टेस्ट में भी मैक्सिमम टू सैंपल्स पर डील कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू मींस। और एफ टेस्ट के अंदर भी हम दो वेरिएंट्स पर डील कर सकते हैं, बिटवीन टू वेरिएंट्स। ठीक है, बट अगर मोर देन टू, यानी कि यहां पर जैसे बात की गई है मोर देन टू ग्रुप्स, अगर दो से ज्यादा ग्रुप आते हैं तो ऑब्वियसली दो से ज्यादा मीन आएंगे, ऑब्वियसली दो से ज्यादा वेरिएंट्स आएंगे। तो अगर वेरिएंस और मीन दो से ज्यादा हो जाएंगे तो ना तो जेड टेस्ट एप्लीकेबल होगा, ना ही एफ टेस्ट एप्लीकेबल होगा और ना ही आपका टी टेस्ट एप्लीकेबल होगा। उसी को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज वी हैव टू सैंपल मीन, अगर हमारे पास दो सैंपल मीन है तो विद सैंपल साइज एन लेस देन इक्वल टू 30, याद होना चाहिए एन लेस देन इक्वल टू 30 का मतलब होता था स्मॉल सैंपल, स्मॉल सैंपल साइज। अगर स्मॉल सैंपल साइज होता था तो हमारे पास कौन कौन से टेस्ट होते थे बेटा, टी टेस्ट होता था। देन वी यूज टी टेस्ट फॉर द कंपेरिजन ऑफ टू मीन्स, तब हम टी टेस्ट यूज करते थे। सपोज वी हैव टू सैंपल्स मीन विद द साइज एन ग्रेटर देन 30, अगर हमारे पास 30 से बड़ा सैंपल होता था यानी लार्ज सैंपल का केस होता था तो हम जेड टेस्ट अप्लाई करते थे फॉर द कंपेरिजन ऑफ टू मीन्स। बट सिमिलरली अगर हमारे पास दो वेरियंट्स होते थे तो अब हम एफ टेस्ट यूज करते थे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एनोवा आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नंबर एक टी टेस्ट, टी टेस्ट मैक्सिमम दो मीन पर यूज हो सकता है, जेड टेस्ट मैक्सिमम दो मीन पर यूज हो सकता है, एफ टेस्ट मैक्सिमम दो वेरियंट्स पर यूज हो सकता है। ये भी आपको क्लियर है, टी टेस्ट और जेड टेस्ट मीन पर यूज होता है और एफ टेस्ट वेरियंट्स पर यूज होता है। अब आपको समझना पड़ेगा यहां पर लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस को एनालिसिस करना है और वेरिएंस पे आपको पता है क्या यूज होता है बेटा, एफ टेस्ट। वेरिएंस के लिए क्या यूज होता है, एफ टेस्ट। बट यहां पर मोर देन टू ग्रुप्स हैं, यानी कि मान लेते हैं कि मैं तीन ग्रुप से स्टार्ट करता हूं। मोर देन टू का मतलब तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, दो से ज्यादा कितने भी ग्रुप हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तीन ग्रुप की तो ऑब्वियसली तीन मीन आएंगे, तीन ही वेरिएंस आएंगे। तो तीन वेरिएंस को अगर हमें चेक करना है, देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन थ्री मीन्स और थ्री वेरिएंस, तो अब हमारे पास ना तो टी टेस्ट का ऑप्शन बचता है, ना ही एफ टेस्ट का ऑप्शन बचता है, ना ही हमारे पास जेड टेस्ट का ऑप्शन बचता है, क्योंकि वो मैक्सिमम दो तक ही सोल्व कर सकते हैं। तो हमें जाना पड़ेगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी एनोवा के थ्रू। बट सपोज वी हैव थ्री और मोर देन थ्री सैंपल्स मीन, देखिए यहां पर वही जिक्र किया हुआ है, बट सपोज वी हैव थ्री और मोर देन थ्री सैंपल्स मीन, देन टी टेस्ट, जेड टेस्ट या एफ टेस्ट शुड बी फेल्ड।
जब भी तीन या तीन से ज्यादा सैंपल मीन या सैंपल वेरिएंस आ जाएंगे तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट फेल कर जाएंगे. देन वी यूज एनोवा टेक्निक फॉर द कंपैरिजन ऑफ थ्री और मोर देन थ्री मीन्स. तब हम क्या करेंगे, एनोवा टेक्निक यूज करेंगे किसके लिए, कंपैरिजन ऑफ मोर देन थ्री और मे बी थ्री और मोर देन थ्री मीन्स. ठीक है, अब एनोवा में भी दो टेक्निक है, वन वे एनोवा और टू वे एनोवा. एनोवा टेक्निक्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज वन वे एनोवा, सेकेंड इज टू वे एनोवा. अब वन वे एनोवा की बात कर लेते हैं. वन वे एनोवा क्या होता है, इट इज यूज टू सी द इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल. इट मीन्स अगर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उस केस में हम वन वे एनोवा टेक्निक यूज करते हैं. दूसरा, टू वे एनोवा की बात कर लेते हैं. इट इज यूज टू सी द इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल. इट मीन्स अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बहुत ध्यान से समझिए आप, दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, टू वे एनोवा. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वन वे एनोवा यूज होगा, टू इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो बेटा टू वे एनोवा यूज होगा. बट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हमें चलना है तो सिलेबस में केवल वन वे एनोवा टेक्निक ही आपको दिया हुआ है. जो आपका सिलेबस डिजाइन हुआ है एकेटीयू के थ्रू वो केवल वन वे एनोवा पर डिस्कस करता है. तो यहां पर मैंने ऑलरेडी नोट भी मेंशन किया है, बट अकॉर्डिंग टू द अवर सिलेबस वी हैव डिस्कस ओनली वन वे एनोवा टेक्निक. यानी कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल हमें किसको डिस्कस करना है, ओनली वन वे एनोवा टेक्निक को डिस्कस करना है. इसका मतलब ओनली हमें वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट वेरिएबल पर डील करना है. दो चीजें बहुत ही माइंड में एकदम सेट कर लेंगे, वो क्या क्या है, एक तो आपके जो ग्रुप्स हैं वो तीन या तीन से ज्यादा होंगे, दूसरा जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या होगा, एक होगा. ठीक है, क्योंकि वन वे एनोवा की टेक्निक की बात होती है. अब हम वन वे एनोवा को क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किस तरीके से हमें उसको डील करना है. तो एक बार देख लेते हैं वन वे एनोवा टेक्निक का क्लासिफिकेशन देख लीजिए. क्लासिफिकेशन ऑफ वन वे एनोवा टेक्निक, अब देखिए हम स्टार्ट क्या करते हैं. लेट कैपिटल एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल हैविंग एन सैंपल्स या एन क्लासेस. अब आपको समझना पड़ेगा कि कैपिटल एक्स को ही हमारे पास रैंडम वेरिएबल है. रैंडम वेरिएबल ऑलरेडी मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं तो आपको पता होना चाहिए रैंडम वेरिएबल क्या होता है. लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल हैविंग एन सैंपल्स, उसके अंदर क्या है, एन सैंपल्स हैं. ठीक है, एन सैंपल ऑब्जर्वेशंस. वी डिवाइड्स दीज सैंपल्स ऑब्जर्वेशन इन के क्लास. मान लीजिए हमारे पास एक्स के अंदर एन सैंपल्स हैं या एन क्लासेस हैं या एन आइटम्स दिए हुए हैं. उनको हमने क्या किया है कि उनको हमने डिवाइड किया है के क्लास में विद सैंपल साइज के क्लास. के बी एनी नंबर, एन बी एनी नंबर, तो वो आप समझ सकते हैं एन कोई नंबर है उसको हमने के क्लास में डिवाइड कर लिया और वो क्लासेस का साइज भी हमने क्या रख लिया, एन वन एन टू एन थ्री अप टू एन के रेस्पेक्टिवली. यानी के क्लास में फर्स्ट क्लास का साइज एन वन रख लिया, सेकंड क्लास का साइज एन टू, थर्ड क्लास का साइज एन थ्री, kth क्लास का साइज हमने एन के रख लिया रेस्पेक्टिवली. सच दैट इन सब का सम जो होगा ना वो एन के बराबर होगा. तो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन के दैट्स इक्वल टू एन. इसको बोलेंगे समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू के दैट इज एन आई. यानी इन सब का जो सम होगा वो आई फ्रॉम वन से स्टार्ट होगा और के पर एंड होगा. वन से स्टार्ट हो रहा है और के पर एंड हो रहा है, दैट्स इक्वल टू एन. तो ये होगा सैंपल साइज. ठीक है, दीज आर द क्लासेस. अब ऑब्वियसली जब आपने के क्लास में डिवाइड किया है यानी के ग्रुप में डिवाइड किया है, एक तरीके से मैं कह रहा था कि थ्री और मोर देन थ्री ग्रुप होने चाहिए, तो ये जो के की वैल्यू है ना ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री होनी चाहिए. यानी कि जो क्लासेस हैं या जो ग्रुप हैं वो या तो तीन होने चाहिए या तीन से ज्यादा. अब आपको बार फिर मैं रिपीट करना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए दो ग्रुप होंगे तो हम क्या करेंगे, दो ग्रुप होंगे तो फिर इसकी बेटा एनोवा की नीड ही नहीं है ना. फिर तो हम डायरेक्टली एफ टेस्ट, जेड टेस्ट या टी टेस्ट लगाकर सोल्व कर देंगे. जो भी हमसे पूछा जाएगा, मीन के बारे में पूछा जाएगा तो टी टेस्ट और जेड टेस्ट होगा, और वेरियंस के बारे में पूछा जाएगा तो एफ टेस्ट होगा. एनालिसिस ऑफ वेरियंस कह रहा है तो एफ टेस्ट लगा के डायरेक्टली हम कैलकुलेट करके सोल्व कर देंगे, खत्म. तो फिर हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है एनोवा की. एनोवा की रिक्वायरमेंट ही कब होती है, जब तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप आ जाएं. तो के की जो वैल्यू है, जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं या नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, वो हमेशा तीन या तीन से ज्यादा होंगे. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
चीज है। अब ऑब्वियसली मान लीजिए मैंने के क्लास में इसको डिवाइड किया है, तो के क्लास है जितने क्लास होंगी उतने ही उसके मीन होंगे और उतने ही उसके वेरियंस होंगे। तो मैं वही मान लेता हूं, मान लीजिए एक्स वन बार फर्स्ट क्लास का मीन है, एक्स टू बार सेकेंड क्लास का मीन है, एक्स थ्री बार थर्ड क्लास का। सिमिलरली एक्स के बार क्या होगा, ये आपका kth क्लास का मीन है। सिमिलरली इसी के रेस्पेक्ट में आप मान सकते हैं स्मॉल s1 वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट क्लास, s2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड, s3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थर्ड क्लास, sk स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ kth क्लास। अब इनके स्क्वायर मान लेंगे, मान लीजिए s1 स्क्वायर वेरियंस ऑफ फर्स्ट क्लास, s2 स्क्वायर वेरियंस ऑफ सेकंड क्लास, s3 स्क्वायर वेरियंस ऑफ थर्ड क्लास, sk² वेरियंस ऑफ kth क्लास। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी वेरियंस के बारे में आपने पढ़ा है, मीन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, वही सब चीजें यहां पर यूज होनी है। अब नल हाइपोथेसिस हम क्या मानते थे, आपको याद होना चाहिए। नल हाइपोथेसिस हम मानते थे बेटा, अगर आपको याद है, लेट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स मीन, ऐसा हम लिखते थे। बट वहां पर दो सैंपल मीन होते थे, पर इस बार क्लास कितनी है, के क्लास है, तो ऑब्वियसली मीन भी के हैं, मीन भी कितने हैं, के मीन आपके पास होंगे, यानी नंबर ऑफ मीन भी के टाइम्स आपको मिलेंगे। तो अब आप देखिए यहां पर मैंने वैसे ही कुछ लिखा है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन दीज मीन्स, ये जो मीन आए हैं ना इनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, यानी एक्स वन बार इक्वल टू एक्स टू बार इक्वल टू एक्स थ्री बार अप टू एक्स के बार, सारे क्या है, सेम है, ठीक है। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम क्या मान लेते हैं, लेट एटलीस्ट टू मीन्स हैव ए डिफरेंस। बेटा ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्टरनेट केस कब आ जाएगा, मान लीजिए केवल हमारे पास के मीन्स हैं, अब नंबर ऑफ मीन्स के टाइम्स हम क्लासेस लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली के मीन आए हैं, तो किसी भी दो में अगर डिफरेंस आ जाता है तो हम अल्टरनेट केसेस पे आ जाते हैं। उसने लिखा है यहां पर वर्ड यूज किया हुआ एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम दो, ठीक है, एटलीस्ट टू का मतलब कम से कम दो, एटलीस्ट टू मीन्स हैव ए डिफरेंस, यानी अगर दो मीन भी डिफरेंस रखते हैं तो हम अल्टरनेट पे आ जाएंगे क्योंकि सारे इक्वल होने चाहिए। अगर मान लीजिए यही दो इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली अल्टरनेट का केस वहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा, या ये दो इक्वल नहीं है तो अल्टरनेट का केस एग्जिस्ट कर जाएगा। इट मीन्स एटलीस्ट टू मीन्स आर नॉट इक्वल, यहां पर ऑलरेडी समझाया हुआ है, इट मीन्स एटलीस्ट टू मीन्स आर इक्वल आर नॉट इक्वल और ऑल आर नॉट इक्वल, कम से कम दो तो होने ही चाहिए, हो सकता है कि सारे ही अनइक्वल हो तो वो भी केस चलेगा। तो अगर दो मीन भी इक्वल नहीं है तो उसे हम अल्टरनेट के केस में डाल देंगे, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाने वाला हूं वो है एनोवा टेबल। अगर एनोवा टेबल आपको समझ में आ गई तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एनोवा टेबल एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि वेरियंस को एनालाइज करने के लिए हमें एफ टेस्ट यूज करना होता है, बट यहां पर मोर देन थ्री और मोर देन थ्री ग्रुप्स हैं तो वहां पर एफ टेस्ट डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनोवा टेबल की हेल्प से उसको यूज करना पड़ेगा। होगा तो एफ टेस्ट यूज, क्योंकि वेरिएंस को चेक करने के लिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं एफ टेस्ट यूज होता है, पर वो केवल दो वेरिएंस के लिए यूज होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे जो kth क्लास है इसको हमें दो वेरिएंस में चेंज करना पड़ेगा और दो वेरिएंस को फिर से हमें एफ टेस्ट पर लेकर जाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिए पूरा प्रोसीजर क्या है, के क्लास है तो के वेरिएंस आएंगे, के वेरिएंस को हम दो वेरिएंस में चेंज कर लेंगे और दो वेरिएंस के लिए एफ टेस्ट एप्लीकेबल होता है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब एनोवा टेबल आप देख लीजिए एक बार, वो एनोवा टेबल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। एनोवा टेबल में जैसे सोर्स ऑफ वेरिएशन हम देख लेंगे। अब सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बिटवीन द सैंपल्स, यानी सैंपल के बीच के, बिटवीन द सैंपल यानी सैंपल के बीच में भी वेरिएशन हो सकता है, और विद इन द सैंपल्स जो सैंपल्स हैं उनके बीच में भी वेरिएशन हो सकता है। इस बिटवीन और विद इन को आप समझिए, बिटवीन द सैंपल्स यानी सैंपल के अंदर की बात हो रही है, और विद इन द सैंपल्स यानी दो अलग अलग सैंपल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको समझिए कि जो बिटवीन द सैंपल्स सैंपल के अंदर होगा, ठीक है, बिटवीन टू सैंपल्स या बिटवीन द सैंपल्स होगा, देखिए दोबारा से मैं क्लियर कर दूं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने आपको थोड़ा अलग तरीके से बता दिया। बिटवीन द सैंपल्स का मतलब होगा दो सैंपल के बीच,
यानी दो या दो से ज्यादा जो भी वहां पर सैंपल्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोर देन थ्री और मोर देन थ्री ग्रुप्स की बात होगी, तो तीन ग्रुप का मतलब होगा बिटवीन द सैंपल। बिटवीन द सैंपल्स का मतलब है बेटा, जैसे एक्स वन एक सैंपल है, एक्स टू एक सैंपल है, एक्स थ्री एक सैंपल है, तो एक्स वन एक्स टू या एक्स टू एक्स थ्री दो सैंपल्स के बीच की बात हो रही है। विद इन द सैंपल का मतलब होगा यानी एक्स वन के बीच में जो आइटम्स हैं उनके बीच की बात हो रही है। क्लियर है? अब दोबारा से आप एक बार समझिए, बिटवीन द सैंपल यानी बिटवीन टू सैंपल्स, ठीक है, विद इन द सैंपल यानी सैंपल के अंदर, ठीक है, एक ही सैंपल के अंदर, ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले आएगा के माइनस वन, जैसे मान लीजिए हमारे पास के क्लास है तो के माइनस वन करके लिखेंगे। अब सैंपल्स के अगर हम साइज देखें तो सारों को अगर हम सम करते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं जितने भी एन वन एन टू एन थ्री एन के बनता है तो कैपिटल एन बनाता है, तो एन माइनस के डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा विद इन द सैंपल्स के लिए। सम ऑफ स्क्वायर एस एस, एस एस टी से डिनोट करेंगे, जैसे कि बिटवीन द सैंपल्स को हम ट्रीटमेंट भी कहते हैं और विद इन द सैंपल्स को हम एरर भी कहते हैं। इस टेबल को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, बिटवीन द सैंपल्स को हम ट्रीटमेंट से डिनोट करेंगे, विद इन द सैंपल्स को एरर से डिनोट करेंगे। बिटवीन द सैंपल्स यानी ट्रीटमेंट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो के माइनस वन होगी और एरर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो एन माइनस के होगी, और इन दोनों का अगर सम करेंगे तो यहां पर टोटल आप लिख सकते हैं जैसे एन माइनस के प्लस के माइनस वन, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस वन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। अब सम ऑफ स्क्वायर, इसको एस एस से डिनोट करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, एस डॉट एस, यानी सम ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या है एस एस टी, एस एस टी का मतलब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, यहां पर क्योंकि इसको ट्रीटमेंट से डिनोट किया हुआ है बिटवीन द सैंपल्स को, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसी एस एस ई, एस एस ई का मतलब क्या है बेटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, यानी विद इन द सैंपल्स। अब बात आती है एमएसटी, एमएसटी का मतलब क्या होगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर को हम एमएस से डिनोट करते हैं। अगले कॉलम को भी देख लीजिए, पूरा मैं क्लियर करूंगा, इसके फॉर्मुलेस भी बताऊंगा क्या है, बस थोड़ा सा आप टेबल को समझने की कोशिश कीजिए। मीन सम ऑफ स्क्वायर दैट इज एमएस, एमएस से डिनोट करेंगे, जैसे एसएस बोलते थे मीन सम ऑफ स्क्वायर को एमएस बोलेंगे। अब एमएसटी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये मीन सम ऑफ स्क्वायर किसका है, ट्रीटमेंट का, एमएसटी टीम यानी ट्रीटमेंट। इसको एमएसई लिखा है, एमएसई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ई का मतलब क्या है यहां पर, एरर से, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल्स यानी एरर, एमएसई। अब ये जो एमएसटी और एमएसई है, देखिए मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन के साथ में मीन सम ऑफ स्क्वायर अगर आप देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं एक्स वन माइनस एक्स वन बार स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स टू बार स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए वेरिएंस हम लिखते थे, अगर आपको याद है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन वन करके, तो ये जो एमएसटी और एमएसई है ना, ये एक्चुअली एक तरीके से वेरिएंस है, और वेरिएंस जब भी आ जाते हैं तो वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एफ टेस्ट यूज करते हैं। मैं अभी भी वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, हमारे पास ग्रुप के ग्रुप है तो के मीन होंगे, के ई वेरियंस होंगे, उन के ग्रुप्स से के मीन और के वेरियंस को हमें दो मीन या दो वेरियंस में चेंज कर लेना है, तो दो वेरियंस क्या क्या होंगे, एमएसटी और एमएसई, वो दोनों वेरियंस अगर हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम क्या करते थे, वेरियंस के लिए जैसे एस वन स्क्वायर और एस टू स्क्वायर दो वेरियंस होते थे, तो अब हम एफ टेस्ट लगाते थे एस वन स्क्वायर अपॉन एस टू स्क्वायर या एस टू स्क्वायर अपॉन एस वन स्क्वायर। अब ऊपर किसको रखते थे न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर पे उसे रखते थे जिसकी बड़ी वैल्यू होती थी, वही सेम काम मैंने यहां पर किया है, एफ कैलकुलेटेड इज एमएसटी अपॉन एमएसई यानी एस वन स्क्वायर अपॉन एस टू स्क्वायर, कब, जब एस वन स्क्वायर की वैल्यू एस टू स्क्वायर से ज्यादा हो, यानी एमएसटी बड़ा हो एमएसई से। अब यही फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, एफ कैलकुलेटेड इज एमएसई अपॉन एमएसटी, यानी ये वाली वैल्यू ऊपर की तरफ और एमएसटी वाली वैल्यू नीचे की तरफ डिनोमिनेटर पे, क्यों, क्योंकि अगर एमएसई की वैल्यू एमएसटी से ज्यादा हो, वेन एमएसई इज ग्रेटर देन एमएसटी। तो ये तो होगा एनोवा टेबल जो आपको बनानी है, इसके थ्रू ही वैल्यू निकलेगी। अब मैं ये सारी वैल्यूज बता देता हूं कि क्या होगा, एक्चुअली के माइनस वन नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे, के माइनस वन करके ये डिग्री लिख दें, एन माइनस के टोटल जो सैंपल का सम होगा और उसके बाद के आपके ग्रुप्स होंगे वो एन माइनस के आप कर देंगे, ठीक है, तो ये आप कर लेंगे सिमिलरली एन माइनस वन। अब एस एस टी की बात कर लेते हैं, एस एस टी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एन वन, एन वन यानी क्लास वन का जो साइज है, एक्स वन माइनस एक्स बार, बेटा इसको ध्यान रखेंगे एक्स वन है और ये एक्स बार है, एक्स बार एन टू, एक्स टू माइनस एक्स बार स्क्वायर,
एन के एक्स के माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा एस एस टी के लिए, वेयर एक्स बार क्या है बेटा, एक्स बार हमें कैसे निकालेंगे, एक्स वन बार इंटू एन वन, एन टू प्लस एक्स टू बार प्लस एंड सोन एन के प्लस एक्स के बार अपॉन एन, ठीक है। एन मैंने ऑलरेडी आपको निकालने के लिए बता दिया था, एन कैसे निकल रहा था, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री अप टू एन के, ये एन कैलकुलेट हो जाएगा। और जैसे आपको एक्स एक्स वन बार यहां पर अवेलेबल है, एक्स टू बार अवेलेबल है, एक्स थ्री एक्स के, इनको सबको आप यहां पर फॉर्मूले में रखेंगे तो एक्स बार कैलकुलेट हो जाएगा और एक्स बार की वैल्यू इधर यूज कर लेंगे, इस तरीके से एस एस टी कैलकुलेट हो जाएगा, फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है एस एस ई की, तो एस एस ई के बारे में आप समझिए, एन वन एस वन स्क्वायर एन टू एस टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन के एस के स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब एस वन एस टू एस के की वैल्यू गिवन हो, बहुत ध्यान से समझिए, जब एस वन एस टू एस के की वैल्यू गिवन हो, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट क्लास, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड क्लास, एस के मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ kth क्लास, एस वन स्क्वायर वेरियंस ऑफ फर्स्ट क्लास, एस टू स्क्वायर वेरियंस ऑफ सेकंड क्लास, एस के स्क्वायर वेरियंस ऑफ kth क्लास, तो ये एन वन भी गिवन है, एन टू भी गिवन है, एन के भी गिवन है, एस वन एस टू एस के अगर गिवन होगा तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं, अगर सपोज ये नहीं गिवन है तो फिर एस एस ई यानी ये वाली वैल्यू सम ऑफ स्क्वायर विद एरर्स कैसे कैलकुलेट होगी, एक्स वन माइनस एक्स वन बार स्क्वायर। अब बेटा अगर एस वन एस टू एस के नहीं दिया होगा तो एक्स जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये सैंपल्स दिए होंगे, सैंपल्स दिए होंगे तो आप एक्स वन बार भी निकाल सकते हैं, एक्स टू बार और एक्स थ्री बार भी, और उनकी हेल्प से आप एस एस ई लिख सकते हैं, एक्स वन माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स के माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये कब यूज होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स के आर गिवन, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कब यूज करेंगे, जब एस वन एस टू एस के गिवन होगा, और जब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब एक्स वन एक्स टू एक्स के आर गिवन यानी डेटा गिवन होगा, तो डेटा गिवन है तो ये सेकेंड वाली अप्रोच, अगर डेटा से ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन की तो ये फर्स्ट वाली अप्रोच। एसएसटी एसएसई कैलकुलेट हो गया, तो अब हम आते हैं एमएसटी और एमएसई पर, तो ध्यान रखिए एमएसटी के लिए फॉर्मूला होगा एसएसटी अपॉन के माइनस वन, एसएसटी यहां कैलकुलेट हो चुका होगा, के माइनस वन इन दोनों का प्रोपोर्शन ले लेंगे तो आपको एमएसटी मिलेगा, इन दोनों का प्रोपोर्शन ले लेंगे तो एमएसई मिलेगा। फॉर्मूला देखिए एसएसटी अपॉन के माइनस वन एमएसटी, एमएसई एसएसई अपॉन एन माइनस के, इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले से एमएसटी एमएसई कैलकुलेट हो गया। ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद अब आप एफ कैलकुलेटेड लिख सकते हैं, एफ कैलकुलेटेड लिखने का तरीका वही है, ये वैल्यू बड़ी है तो ये ऊपर, ये वैल्यू बड़ी है तो ये ऊपर, जो भी वैल्यू बड़ी होगी वही न्यूमरेटर पर रहेगी और जो वैल्यू छोटी होगी वो न्यूमरेटर पर। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिखना है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, के माइनस वन एन माइनस के, ये कब रहेगा, जब एमएसटी और एमएसई इस तरीके का कोई सिचुएशन है, एमएसटी ग्रेटर देन है एमएसई से, एन माइनस के माइनस वन कब रहेगा, जब एमएसई ग्रेटर देन होगा एमएसटी से। तो ये आप देख लेंगे दोनों चीजें कब होंगी, जब रिवर्स ऑर्डर में हम लिखते थे वो एफ टेस्ट में भी गया, एफ टेबुलेटेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो कैसे होगा, एफ टेबल से ले लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, अगर एफ कैलकुलेटेड एफ टेबुलेटेड से छोटा है तो एच जीरो को एक्सेप्ट करेंगे, एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ टेबुलेटेड है तो एच जीरो को रिजेक्ट करेंगे, यानी एच वन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। बस केवल इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का आप ध्यान रखिए, के माइनस वन एन माइनस के करके लिखा है, इसका मतलब जब एमएसटी बड़ा है तो एमएसटी की पहले आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एमएसई छोटा है तो वो डिनोमिनेटर पे रहेगा तो डिनोमिनेटर वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बाद में लिखते थे। सिमिलरली एमएसई बड़ा होगा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले आ जाएगी, एमएसटी छोटा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद में आ जाएगी, इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ये न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उस तरीके से आप करना है, टेबल से एफ टेबुलेटेड उसी के साथ में आप उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे जो एलरोडी आप लिखते थे। थैंक यू।